यहाँ पर आई पी एक्सटेंशन पर हैं, अग्रवाल मेडिकल स्टोर पर। यहाँ पर अग्रवाल मेडिकल स्टोर के ओनर भी हैं। सर आपका अपना पर्चे पहले दीजिए, फिर हम कुछ सवाल इनसे करेंगे। मेरा एस के सिंगल नाम है जी, और फार्मेसिस्ट हूँ जी, और यहाँ का ओनर हूँ जी। सर जब हम आपसे फॉर्म फिलअप करवा रहे तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो आपने चुना भाजपा सरकार। तो वो कौन सा दिमाग में चल रहा था कि किस आधार पर मैंने ये फैसला लिया है कि मैं वोट अपना भाजपा को दूंगा? देखो उसका कारण एक तो केंद्र सरकार है। अच्छा। केंद्र सरकार इसलिए है कि यहाँ पे ना होते हुए भी केंद्र सरकार ने दो तीन काम ऐसे किए हैं भाई जो सराहनीय है, और यहाँ की उसके लिए दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया। जैसे 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 सबसे पहले तो मतलब कि जैसे कॉलोनियों को पक्का किया है, ठीक है ना। कॉलोनियाँ ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब कि आदमी हमेशा डर के रहता है भाई इनकी कब टूट जाए कब ना टूट जाए, और जब कॉलोनी पक्की होती है तो एक मोटा बेनिफिट मिलता है आदमी को, एक लगभग मकान मिल गया उसको। परंतु जो अपनी जो छोटी मतलब कि जैसे राज्य सरकार है उन्होंने काम किए हैं, परंतु वो मतलब कि उस स्केल पे नहीं किए जिस स्केल पे मतलब कि होने चाहिए भाई। हम किसी को लगातार चीज़ फ्री दे करके और अपने को खड़ा नहीं कर सकते, या तो उनको स्वावलंबी बनाए तो ज़्यादा बेटर है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो फ्री वाली स्कीम कभी कभी आती है, हाँ, उससे आपको आपत्ति है? हाँ, ये इससे जो है आप स्वावलंबी नहीं बना रहे हैं? तो हाँ। अच्छा एक दूसरी बात कि सबसे पहले मतलब कि जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री यहाँ पे क्या था बीजेपी ने चुनी थी, तो बीजेपी को ये कह करके लोगों ने नकारा था भाई ये साइड के भाई इनको हटा देगी, जो खोमचे वाले हैं सबको हटा देगी। केजरीवाल ने कहा था भाई हम खोमचे वाले को पक्का करेंगे, सबको कहा था। परंतु ना देखो के खोमचे वाला 99% कोई पक्का नहीं हुआ है। हम देखते हैं हर दूसरे दिन कमेटी आ जाती है और इन खोमचे वालों को हटा देती है। और एक तरीका है भाई आप खोमचे वाले को पक्का कर दो, अब वैसे भी तो पुलिस वाले या एनीथिंग कोई भी आदमी है वो मतलब कि पैसे दे करके या चलान कटा करके पैसे देता है, मतलब कि चलान भी कट जाए तब भी 2,500 रुपये 3,000 रुपये दिए या पुलिस वाले को दिए और खड़ा है। आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सारे राज्य के अंदर जो हटाओ। इसी भी सिंदल साहब के कस्टमर भी आ गए हैं। मैम आप प्लीज़ आ जाइए, आप दवा ले लीजिए। इस बार किसको वोट देंगी आप विधानसभा क्षेत्र चुनाव में? केजरीवाल को देंगे। वोट देंगे आप केजरीवाल जी को? हाँ, तो इनका भी कहना है कि केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को क्यों? बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, हमें तो बिल नहीं आ रहे हैं बिजली के पानी के, सब फ्री लग रहा है। और देखिए घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, आंटी को फ्री की चीजें बहुत पसंद आ रही है आप कह रहे हैं। सबको पसंद है मतलब फ्री को, मेरे को भी मिल जाए मेरे को पसंद है, परंतु स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी ना है कि हम सबको मतलब की फ्री देते रहे। मतलब बहुत जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब कहने का मतलब है जिनकी 5-6 दिक्कत होगी। जवाब दो आंटी, आप देखो स्कूल कितने अच्छे हो गए हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। मैं बुड्ढों को घुमाने ले जा रहे हैं, हमारे को लेटर आया कि आओ घूमने ले चले तुम्हें। मैं फ्री की बात कर रहा हूँ भाई, यानी कि हम सक्षम है करने के लिए। एक आदमी 6,000 रुपये कमाता है, अब उनको ज्यादा मतलब की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और हर एक को मिल जाती है तो फिर वही वाले भी तो सरकार के। आंटी की भी बात, बिजली के बिल देखो कितने कम आ रहे हैं, हमारी कामवालियाँ इतनी खुश होती हैं, रोज कहती हैं कि देखो आंटी बच्चे इतने अच्छे स्कूल में हो रहा है सब, परमानेंट सबका कम हो जाए ठीक है, परंतु वो फ्री वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं ही सही कह रहे हैं क्या? सर कुछ नहीं बना रहे हैं, फायदा ही हो रहा है सब लोगों को, गरीबों को। मानता हूँ गरीबों को तो हो ही रहा है, देखो गरीब लोग कितने बिल भरते थे, इतनी मुश्किल थी स्कूल, उनके बच्चों को देखो खाना मिल रहा है इतना बढ़िया। आंटी अगर केजरीवाल सरकार को 10 में से आपको नंबर देने हो? मैं तो 10 में से 10 ही देऊंगी। 10 में से 10 ही देऊंगी, मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा उनका, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो चोर बाजारी नहीं कर रहे ना। अच्छा मनीष सिसोदिया जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि केजरीवाल जी? दोनों ही मिलके कर रहे हैं, अकेले अकेले थोड़ी कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो एक सर्वेसर्वा है, उनको तो उनके बिना तो होगा ही नहीं काम। हाँ इसका दाम बताइए, स्टेपसेल खरीद रही हैं आंटी, कितने की है बताइए? ये 15 रुपए। 5 खरीदेंगे तो 15, मतलब 3 रुपए की एक है। मैथ थोड़ी बहुत ठीक है हमारी। आपको क्या लगता है कि कितनी सक्सेसफुल हो रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार? अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल अच्छे काम किए हैं, तो उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए, उसमें नो डाउट।
क्योंकि नई सरकार थी, उसने जो वादे किए थे लगभग मैं पूरी वादे किए हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम बीजेपी को लाते हैं यहाँ पे, फिर वो नए तरीके से काम करेगा। अगर इन्होंने 5 साल में स्कूल सही कर दिए, मेडिकल सही कर दिए, जो कि बहुत पुरानी पार्टियाँ थी वो सब कोई नहीं किया, तो देखो जी शिक्षा से ही देश का विकास होगा। अगर हम अगर ये देखें कि जी हम नई बीजेपी अच्छा काम करी, कांग्रेस अच्छा काम करी, अगर कोई भी नई पार्टी आती है अगर अच्छा काम करती है उसे दोबारा मौका मिलना चाहिए। पटवारगंज से ये थी द संडे पोस्ट की रिपोर्ट। अगले विधानसभा क्षेत्र से हम जल्द फिर से आप सबके बीच होंगे। नमस्कार।